कोलकाता रेप मर्डर केस ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। देश भर के लोगों में इस घटना का आक्रोश है। जहां देश के कोने कोने में इस घटना के खिलाफ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कई फिल्मी सितारे भी लगातार अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। इस घटना के खिलाफ बच्चे से लेकर बूढ़े तक जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर कोई पीड़िता के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने इस घटना पर तुरंत फैसला सुनाने की मांग की है। कोलकाता रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से की जा रही है और इस घटिया शर्मनाक हरकत के खिलाफ मिथुन चक्रवर्ती ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि उन्हें अपने बंगाली होने पर शर्म आती है। मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस मामले पर तुरंत फैसला सुनाने की मांग की है। एक्टर ने इस घटना को बेहद घटिया बताया। उन्होंने कहा कि मैं कई बार कई जगहों पर कह चुका हूं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होगी। बंगाली होने के नाते मैं सिर उठाकर नहीं चल सकता। मेरी संवेदनाएं मृतक डॉक्टर के परिवार के साथ है। इस घटना में शामिल लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था पर कई सवाल दागे हैं। हमें अनेक दिन धरे अनेक जगह अनेक बार এই কথাটা বলেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল আর যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই আমার কাছে সব থেকে বড় কাম্য। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा, डॉक्टरों का सड़कों पर उतरना सबसे अच्छी बात नहीं है। सरकार और समाज को डॉक्टरों द्वारा रखी गई मांगों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सड़कों पर उतरे उन डॉक्टरों से एक विनम्र अनुरोध है कि इससे उन गरीब जरूरतमंद लोगों को नुकसान हो सकता है जिन्हें तुरंत देखभाल की जरूरत है, इससे वो और पीड़ित हो सकते हैं। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती की ये सोशल मीडिया पर बाइट तेजी से वायरल हो रही है।